नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज एक वर्ष पूरा होने पर जहां लखनऊ में सीएम योगी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर सरकार के द्वारा किए गए कार्य की उपलब्धियां गिनाई गई, तो वहीं बिजनौर पहुंचे प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर योगी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई और बिजनौर जनपद को मिलने वाली सौगातों से अवगत कराया। इस दौरान डीएम उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, जिला पंचायत अध्यक्ष शाकेन्द्र प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि सहित भाजपा के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अवसर पर बिजनौर में है जगंगा मैया अपने बिजनौर को पुष्पित प्रज्वलित करते हुए आशीर्वाद देते हुए यहां से गुजरती है। गंगा का होना बहुत बड़ी बात है, बहुत देश, बहुत जनपद, बहुत गांव ऐसे हैं जहां पे पानी की भूमि नहीं है। इसलिए बिजनौर की खुशी, बिजनौर का उल्लास, बिजनौर की खेती, यहाँ का वायुमंडल गंगा की बहुत बड़ी कृपा है। महाभारत कालीन यह जनपद है, भगवान विदुर की कुटी यहाँ पर है। जब जब महाभारत की चर्चा होती है, जब जब भगवान कृष्ण की चर्चा होती है, तो विदुर जी की चर्चा जरूर होती है। इसके अतिरिक्त भी इतिहास में बहुत सारी चीजें बिजनौर से जुड़ी हैं। यहाँ टाइगर पार्क भी यहाँ पर है और भी बहुत सारी ऐतिहासिक स्थितियाँ बिजनौर से जुड़ी हैं। और उसी में ही जब ऐसी सरकार का चयन आप सबके सहयोग से एक बार नहीं दो बार, यानी पहली बार सरकार आ सकती है, लोग कह सकते हैं ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन दोबारा जब सरकार का चयन होता है, दोबारा जब विधायक का चयन होता है, तो निश्चित रूप से परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। तो ऐसे विधायक नहीं बनता है, और जो हमारे विधायक यहाँ पर नहीं बन पाए तो भी बहुत थोड़े से मतों से पराजित हो एकदम बढ़ होता है। लेकिन एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, पूरे प्रदेश के अंदर माहौल बनता है, पूरे प्रदेश में विकास का मॉडल स्थापित हुआ, कानून व्यवस्था का मॉडल स्थापित हुआ, नेशनल हाईवे, एयर कनेक्टिविटी, सिंचाई, पहली बार आपने देखा होगा कि इतने व्यापक स्तर पर नहरों की और जो राजबाएं उनकी स्वच्छ सफाई बिल्कुल एकदम बॉटम तक, और जनप्रतिनिधि दिखाया गया कि सफाई हो गई है, तब जाके ठेकेदारों में भुगतान होगा।